हिमाचल के सुगनाड़ा गांव में बने पोंग झील मुख्य द्वार पर 5.5 करोड़ रुपए की राशि खर्च की जाएगी। हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह राशि वन्य प्राणी विभाग को जारी कर दी है। आपको बता दें कि वन मंत्री राकेश पठानिया का कहना है कि पोंग झील में इको टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय लोगों की सहभागिता तय की जाएगी। हिमाचल के सुगनाड़ा गांव में बने पोंग झील मुख्य द्वार पर पर्यटकों की सुविधा के लिए 5.5 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने यह राशि वन्य प्राणी विभाग को जारी कर दी है। मंत्री पठानिया शुक्रवार को पोंग झील मुख्य द्वार सुगनाड़ा में आयोजित वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह के समापन पर उपस्थित जन समूह को संबोधित कर रहे थे। इससे पहले वन मंत्री का नगरोटा सूर्या में पहली बार पहुंचने पर बस अड्डे पर समाज सेवी संजय गुलेरिया के नेतृत्व में जोरदार स्वागत किया गया, जबकि ज्वाली भाजपा कार्यकारिणी पदाधिकारी अनुपस्थित रहे। यहां आपको बता दें कि वन मंत्री ने वन्य प्राणी सुरक्षा सप्ताह समापन कार्यक्रम से पहले साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और बाद में धर्मशाला मुख्यालय के DFODS ढडवाल के नेतृत्व में स्थानीय पक्षियों को छल्ले पहनाकर छोड़ा गया। वन मंत्री ने पक्षियों को छल्ले पहनाने की प्रक्रिया को भी बारीकी से समझा। उन्होंने कहा कि पोंग झील में पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए हर संभावनाओं को तलाश कर विकसित करने की हर तरफ से संभव प्रयास निरंतर जारी रहेंगे। ज्वाली से संवाददाता दौलत चौहान की रिपोर्ट। DFO नूरपुर, जितने भी हमारे वन के अधिकारी यहाँ पे उपस्थित हैं, जितने हमारे स्थानीय पंचायत के प्रधान बैठे हैं सामने मेरे, और जो भी जितने हमारे प्रतिनिधि यहाँ पे आए हैं, हमारी मैडम BDO, मैं आप सबका यहाँ पे स्वागत करता हूँ। एकदम ये प्रोग्राम बना, कल जब मैं भी क्वारंटीन था, क्योंकि हमारे एक विधायक मनाली में पॉजिटिव आ गए थे, तो कल ही पहला दिन था दफ्तर बैठने का, और वाइल्ड लाइफ वीक हमारा खत्म हो रहा था। तो जैसे मैडम ने कल आपको बताया कि आज पिछला कल एक बहुत ऐतिहासिक दिन था वाइल्ड लाइफ के लिए, जब हमने वो बहुत जो प्रदेश का हमारा बर्ड है उसको हमने रिलीज किया सराहन में, और तब ये दफ्तर में बैठ के ये प्रोग्राम बना कि वाइल्ड लाइफ वीक को कहाँ खत्म किया जाए। मैं कहा हमने पक्षी तो सराहन में छोड़े हैं, तो खत्म उसको हम पोंग डैम में करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो यकदम ये प्रोग्राम बना और यकदम इस प्रोग्राम के माध्यम से मुझे यहाँ पे आना पड़ा। कल ही ये कार्यक्रम बनाया, फिर मुझे रास्ते में लगा पता कि हमारे स्थानीय विधायक जो हैं वो तो कोरोना पीड़ित हैं, और इस करके वो भी नहीं हमारे बीच में आ पाए। ये प्रोग्राम हमारा यकदम बना, फिर मैंने संजय जी से बात की और हम सब लोगों ने मिलकर इस कार्यक्रम को तुरंत यहाँ पे बनाने का प्रयास किया। मेरा आप सबसे निवेदन रहेगा, आज सुबह भी मैं 5 बजे यहाँ पे चलकर आया था, हमारे प्रधान जी भी मिले और बाकी सब लोग भी यहाँ पे मिले। हाकम जी फोन पे जरा व्यस्त हैं, सुबह भी हमारे यहाँ गप लग रही थी, हम सारा ये एरिया घूम के गए, बहुत सुंदर एरिया और यहाँ पे बहुत स्कोप है, और हमारे जितने हमारे वरिष्ठ अधिकारी यहाँ बैठे हैं, हमने सबने शाम उसके बाद जाके बैठक भी की, नाश्ता इकट्ठे किया, और हमने कहा कि सोसाइटी जो आपने यहाँ पे बनाई, ये जगह हमारी गई है और इस काम के लिए गई है, और हिमाचल प्रदेश के सबसे उपजाऊ जगह जो थी वो यहाँ पे थी, अगर आज वो पानी को समर्पित की है प्रदेश के लिए और देश के लिए समर्पित की है, तो जो यहाँ पे काम हो सोसाइटी के माध्यम से लोकल लोग इन्वॉल्व हो। सुबह बात आई कि यहाँ पे रास्ता बनाया जाए, कुछ लोगों की जमीन है वहां पे भी इनको बनाने के लिए रास्ता चाहिए, हमने तुरंत कहा है कि इसका काम कल से हम लगा देंगे ताकि दोनों रास्ते हमें एक रास्ता पर गांधी ने अंदर बताया, उसके लिए भी मैं पैसा आज इशू कर दूंगा। मैंने BDO मैडम से भी रिक्वेस्ट की है, हमारे पास जो नया बैच BDOs का आया, बहुत जोरदार बच्चे हमारे पास आए हैं, हम चाह रहे हैं कि इनको इन्वॉल्व करें इस काम में, हम लगाएं इस काम को, हम डबटेलिंग के माध्यम से हम इनको पैसा देंगे, और ये दोनों रस्ते और बीच वाला रास्ता ये तीनों हम तैयार कराएंगे, और इसमें मास पार्टिसिपेशन इसको मैं बढ़ाना चाहता हूं। इस प्रोजेक्ट को हम एक हिमाचल प्रदेश का प्रमुख प्रोजेक्ट बनाना चाहते हैं, आपके सहयोग के साथ, आपके इन्वॉल्वमेंट के साथ, आपको भी इन्वॉल्व करें। सोचने की इस
पे कब आमदी जमा होगा, क्या क्या प्लानिंग है? आज हमारा वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ डे है, वीक है, उसकी समाप्ति हुई है। कल हमने सरहान में वो बर्ड छोड़े थे और इसलिए आज बाहर कर लो शिमला में एक प्रोग्राम हुआ तो हमने कहा कि फाइनल जो है लास्ट प्रोग्राम जो है कांगड़ा से किया जाए, तो कांगड़ा में हमने पौंग डैम को चूज किया कि यहाँ पे इसको एकदम ये प्रोग्राम या कल बना, और उसके बाद मैं यहाँ पे आया हूँ और आज इस कार्यक्रम को हमने ये तो आज वर्ल्ड जो वाइल्ड लाइफ वीक होता है उसकी आज समाप्ति यहाँ पर हमने की है विधि। और जो ये प्रोजेक्ट है ये नई राय नई मंजिलों के तहत जो है टूरिज्म से के साथ और फॉरेस्ट वाले मिलकर इसको बना रहे हैं, जिसमें हम इस साल 5 करोड़ रुपया और व्यय करना चाह रहे हैं 5.5 करोड़ रुपये। उसके बारे में विस्तार से डिस्कशन कर रहे हैं। सोसाइटी यहाँ पर हमने मोड में बनाई है जिसमें लोकल इन्वॉल्वमेंट काफ़ी बड़े स्तर पर रहेगी। आज क्योंकि पहली बैठक हुई है, इस पर मोडालिटीज हम फॉर्म आउट करेंगे और जैसे जैसे आगे चलेगा आपके सामने, मैं आगे भी अगले महीने फिर आऊँगा यहाँ पे, यहाँ चक्कर लगता रहेगा। इसको हम डेवलप करना चाहेंगे लोकल सपोर्ट के साथ, लोकल लोगों के साथ। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets lie hai Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.